बात की, मदद की। कर्नाटक के किसानों के लिए आपने क्या किया ये बता दीजिए, छोटे दुकानदारों के लिए क्या किया ये बता दीजिए, युवाओं के लिए क्या किया ये बता दीजिए। बेरोजगार कर दिया देश के युवाओं को, मगर क्या फायदा पहुंचाया ये बताइए। मैं एक सुझाव देता हूं प्रधानमंत्री जी को, आपको अपने बारे में बोलना अच्छा लगता है, 70% आप अपने बारे में बोलिए, दिल खोल के बोलिए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने ये किया, मुझे ये कहा, मुझे ऐसे बोला, मुझे ये बोला, ये कहिए 70%, ये खुल के बोलिए। 30% आप कर्नाटक के बारे में बोल दीजिए, महंगाई के बारे में बोलिए, और फिर जो आप कर्नाटक के लिए करना चाहते हैं वो भी बोलिए। अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लिए क्या करने जा रही है। ये हमारे 5 वायदे हैं और ये पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कानून बन जाएंगे। देखिए रानी जी आई हैं, अभी ये मुस्कुरा रही हैं, मगर इन्होंने महंगाई सही है, 1100 रुपये का सिलेंडर सहा है। अब हम इनके लिए और ऐसी करोड़ों महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी स्कीम लाए हैं। रानी जी जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, रानी सॉरी सर, कर्नाटक की लाखों करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए जाएगा। जब आप या कर्नाटक की कोई और महिला कर्नाटक की बसेस में जाएंगी, वो 1 रुपया 1 पैसा अपनी जेब से नहीं देंगी। गृह ज्योति स्कीम, 200 यूनिट बिजली हर घर को हर महीने मुफ्त में। रानी जी ये भी आपको मिलने जा रहा है, रात को गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ पाएंगे। मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। अन्य भाग्य स्कीम, 10 किलो चावल हर फैमिली मेंबर को मुफ्त में। अब यहां पे बीजेपी की सरकार है तो बहुत सारे ग्रेजुएट्स होंगे, डिप्लोमा होल्डर्स होंगे जो बेरोजगार हैं, उनको सामने रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा लग रहा है। उनके लिए हमारी सरकार ग्रेजुएट्स के लिए और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। किसानों की मदद के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए हम डालेंगे, हर साल 30,000 करोड़ रुपए। जो कोकोनट और अरेका नट उगाते हैं उनको हम MSP देंगे। रानी जी जैसी करोड़ों महिलाओं को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा, ग्रेजुएट्स को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहिए कि हम भी कर्नाटक के लिए ये करने जा रहे हैं। अपनी बात बंद कीजिए, कर्नाटक की बात शुरू कीजिए। आखिरी बात भाइयों और बहनों, मैंने कहा कि बीजेपी ने आपकी पिछली सरकार चोरी की, इस बार भी चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें दिलवानी है और बीजेपी को ये जो 40 नंबर है इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है, इनको आप खुश कीजिए और 40 सीटें पकड़ा दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में आप आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। धन्यवाद। जय हिंद।